गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर। ये सब क्या होते हैं और आईपीओ तक किस तरीके से एक स्टार्टअप पहुंचता है। अभी जो हाल फिलहाल में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आपने सुने होंगे और काफ़ी एक स्टार्टअप जो अभी नया नया आया है जोमेटो, उसका नया नया आईपीओ आया है। तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि आईपीओ किस तरीके से आया और किस तरीके से इनकी जर्नी रहती है एक स्टार्टअप की, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग या आईपीओ तक की जो जर्नी है वो कैसे रहती है। आज हम यहाँ सारी चीज़ें समझने वाले हैं। इसको मैं थोड़े से चैप्टर वाइज डिवाइड कर रहा हूँ कि इन सारे चैप्टर्स में हम इनको वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये स्टार्ट कैसे होते हैं, कोई भी स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होता है, तो देखिए स्टार्टअप इज़ नथिंग बट एक आइडिया है। कि अगर आपको कोई एक आइडिया आता है तो वो एक स्टार्टअप का रूप ले लेता है। जैसे अगर आपके पास एक आइडिया है कि आपको इस तरीके से बिज़नेस करना है या ये आइडिया है कि आपको इस तरीके से बिज़नेस करना है, तो वो एक स्टार्टअप का रूप ले लेगा। नौ, आपने एक आइडिया लिया और आपने सोचा कि मुझे जो है वो स्टार्ट करना है एक बिज़नेस, और वो बिज़नेस होना चाहिए एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। बट वो टी शर्ट इस तरीके से नहीं होगी, मैं कस्टमाइज करके जो है टी शर्ट बेचूंगा, यानी कि मेरी टी शर्ट जो है वो एकदम कस्टमाइज होगी। लाइक किसी को अगर अपने नाम से बनानी है तो अपने नाम से बना सकता है, अपने ब्रांड से बनानी है तो अपने ब्रांड से बना सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपटीशन है, लेकिन आपने ये सोचा। अब यहाँ पे फर्स्ट जब आप बिज़नेस के बारे में सोचते हो, जब भी आप अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हो कि हमें एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके पास आती है वो आती है फ़ंड की, कि सर हमारे पास फ़ंड कहाँ से आएगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास रहता है वो है फ़ंड का। अब इस फंड की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं शुरुआत में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तब इससे ज़्यादा ऑप्शन भी आपके पास हो सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही एक वेल इस्टेब्लिश नाम है या पहचान है तो हो सकता है इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन हो। बट मेनली तीन ऑप्शन एक हर एक आदमी के पास रहता है, हर एक जो पर्सन है उसके पास रहता है कि वो इन तीन सोर्स से फ़ंड जुटा सकता है। पहला होता है उसका खुद का सेविंग, यानी कि जो उसने अब तक बचाया है, चाहे वो पॉकेट मनी हो, चाहे वो उसने सैलरी वगैरह अगर की है, सैलरी यानी कि जॉब वगैरह की है तो वहाँ से अगर उसने कोई पैसा वगैरह बचा रखा है, या फिर उसने पहले से कोई बिज़नेस किया हुआ है उससे भी उसको कोई कमाई हुई है, तो उसकी टोटल सेविंग जो है वो यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद आता है वो दूसरा नंबर पे, वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स नो फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप पैसा मांग सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी आप उनसे मांग सकते हो। इक्विटी का मतलब है कि आप उन्हें साझेदारी दे रहे हो, आप उन्हें एक जो है उन्हें प्राइवेट पार्टनरशिप दे रहे हो कि आप हमारे बिज़नेस में पार्टनर बनोगे और उसके बदले में आप कुछ पैसा यहाँ पे लगाओगे। या हो सकता है आप उन्हें एज ए लोन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए लोन दे दीजिए, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली वेल्थ और फ्रेंड्स की आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से आप उनसे पैसा ले सकते हो। और थर्ड नंबर पर आता है बैंक्स के थ्रू लोन लेना, यानी आप बैंक के पास जाकर के अप्रोच कर सकते हो कि सर मेरा ये बिज़नेस आइडिया है और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ तो आप मुझे लोन दीजिए। ये जो बैंक के थ्रू लोन है इसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए बैंक भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता और आपका बिज़नेस चूँकि अभी स्टार्ट ही होने वाला है और अभी उनको नहीं पता है, तो उनको नहीं पता है कि आपका कितना रिस्क है और क्या आगे होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बैंक भी आपको मैक्स टू मैक्स 10 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, इनकेस वो ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा देने के लिए बैंकों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह चाहिए होती है, और इस केस में आपके पास इतनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो ऐसे में बैंक भी आपको लोन देने से डरेगा। तो यहाँ पे आपके पास मेन दो ही जो है सोर्स रह जाते हैं, एक आपका सेविंग का और दूसरा आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स का। इन दोनों को आप यूज़ करके आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो आइडिया लेकर के आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, और सबको पता है कि आपके कुछ ना कुछ अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं जो आपको हर समय सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही आपके दो फ्रेंड्स थे, जस्ट ए मिनट, आपके दो फ्रेंड्स थे और वो दो फ्रेंड्स आपको पैसे देने के लिए तैयार थे इन द प्री रेवेन्यू स्टेज। मैं प्री रेवेन्यू स्टेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको नहीं पता है कि आगे चल करके कितना रेवेन्यू आने वाला है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, आपके पास एक केवल आइडिया है और उस आइडिया के बिहाव पे आप उनसे पैसे मांग रहे हो, और इसीलिए इन आपके जो फ्रेंड है ये आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसा लगा रहे हैं, और इसीलिए इन्हें बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। क्या बोला जाता है इन्हें? एंजल इन्वेस्टर। एंजल क्यों? क्योंकि देखिए एंजल हमारी किस समय मदद करता है, जब हम बिल्कुल हमारे पास कोई और नहीं रहता है, हमारे पास कोई और मदद करने के लिए नहीं रहता है, तो उस समय जो हमारे पास मदद करने के लिए आता है हम उन्हें बोलते हैं कि एंजल की तरह हमारी मदद की है, तो इसीलिए इनको भी एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है, क्योंकि उस समय आपके पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो सकता है कि ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जो यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अब इनके द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो कहलाता है सीड फंड।
अब चलिए एक काल्पनिक एग्जांपल लेते हैं, एक है ना, उसमें हम ये मानते हैं कि आपको जो पैसे की जरूरत थी वो थी 2.5 CR, ठीक है। कितना पैसा का पैसे की जरूरत थी? 2.5 CR, यानी कि 2.5 करोड़। इनमें से 2 करोड़ आप अपने खुद के सेविंग वगैरह से लाते हो और दोनों फ्रेंड 25-25 लाख रुपये आपको देते हैं और इस तरीके से आपका 2.5 करोड़ का बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब ये किस तरीके से स्टार्ट होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप एक कंपनी फॉर्म करते हो, कंपनी, ठीक है, कंपनी बनाते हो और उस कंपनी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अथोराइज कैपिटल। नाउ अथोराइज कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अथोराइज कैपिटल का मतलब हुआ कि आप अपनी कैपिटल को इस लेवल तक ले जा सकते हो बाद में बढ़ाते बढ़ाते। लेकिन क्या आप अभी 5 करोड़ लेकर के आ रहे हो? यानी कि अगर आपने जैसे अथोराइज कैपिटल रखी 5 करोड़, तो क्या अभी आप 5 करोड़ लेकर के आओगे? नहीं, 5 करोड़ की बजाय अभी आप लेकर के आ रहे हो मात्र 2.5 करोड़ रुपीज़। तो आप क्या करोगे कि ये जो 2.5 करोड़ है ये आपकी हो जाती है इश्यूड कैपिटल और यहाँ पे आप जो है पैसा जो है लेकर के आते हो। नो, अब ये जो 5 करोड़ हमने बात की थी अथोराइज कैपिटल की, वो 5 करोड़ रुपीज़ 10 रुपये के एक शेयर्स में डिवाइड किए जाते हैं। और ये चाहे 10 रुपये हो सकते हैं, 100 रुपये हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 करोड़ में से कोई 50 रुपये के लिए आपको कैपिटल देगा, कोई हो सकता है 5 लाख रुपये दे, कोई हो सकता है 10 लाख रुपये दे। तो इनको एक इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना जरूरी रहता है। तो ये इक्वल अमाउंट मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 1 रुपये तक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप 10 रुपये में इसे डिवाइड करते हो। ये जो 10 रुपये हैं ये कहलाते हैं उस शेयर की फेस वैल्यू और ये जो डिवाइडेड है इक्वली जो डिवीज़न है ये कहलाता है शेयर। नो, इस तरीके से अगर हम देखें कि 50 लाख जो 5 करोड़ है अगर उनको हम 10 रुपये के शेयर्स में डिवाइड करें तो वो 50 लाख शेयर्स हमारे पास निकल के आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? नो, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम क्या करते हैं कि अब हमें यहाँ पे देखा कि हमने 2.5 करोड़ रुपये जो है इशू किए थे, यानी कि 2.5 करोड़ रुपये कंपनी को अब लेने हैं। नो, 2.5 करोड़ रुपये के बदले में अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 लाख शेयर इशू किए जाएंगे और 25 लाख शेयर किनको इशू किए जाएंगे? जो कि जिन्होंने, तो 25 लाख शेयर इशू किए जाएंगे जिनके बदले में 2.5 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। और ये जो 25 लाख रुपए हैं ये किस तरीके से इशू किए जाएंगे? तो जो 20 लाख शेयर है वो आपको मिलेंगे और 2.5 लाख शेयर जो आपका एक फ्रेंड है उसको मिलेंगे और 2.5 लाख आपका सेकंड फ्रेंड को मिलेंगे क्योंकि उसने 25 लाख रुपए दिए थे। इस तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम नीचे देखें तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपके पास अभी 50% शेयर आपने इशू कर दिए जिसके बदले में आपको 2 करोड़ और 25 लाख मिले और उसके बदले में उनको शेयर का जो होल्डिंग है वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 40% शेयर होल्डिंग है और उनके पास 55% है और अभी आपने 50% शेयर जो है वो कंपनी के इशू कर दिए हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब इनसे बिजनेस स्टार्ट होता है, यानी कि ये 2.5 करोड़ रुपये मार्केट में लगाए जाते हैं, फिर इनसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे आ चुके हैं जिससे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और अब धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आगे ये बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर पर। अब क्या होगा कि जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे अब आपको रिक्वायरमेंट होगी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की या आपको और आगे बढ़ने की। या आगे आप किस तरीके से बढ़ सकते हो? आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि आपके पास रेवेन्यू है, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ कागज़ है, आप बता सकते हो कि सर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हम कितना रेवेन्यू कमा लेते हैं वगैरह वगैरह, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाते हो फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और अब जो आपको इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं इन्हें बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। नाउ इनके पास जब आप जाते हो तो आप इन्हें जाकर के क्या कहोगे? इन्हें जाकर के आप कहोगे कि सर हमारा ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है और इस तरीके से हम यहाँ पे आपको अप्रोच करने आए हैं। लेकिन अब हम इन्हें एंजल इन्वेस्टर ना करके ये वेंचर कैपिटल क्यों कह रहे हैं? तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये एक तो हमें बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली हमारे ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है और हमारी एसेट क्या है, हमारा आगे का ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ा अर्ली स्टेज पे है तो इसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। नाउ अब ये किस तरीके से लगाए जाएंगे? क्या इन्हें भी ये जितने रुपये लगाएंगे उसको डिवाइड बाई 10 करके हम उन्हें इतने शेयर दे देंगे? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने कुछ साल मेहनत की है और आपके फ्रेंड ने भी कुछ साल मेहनत की है तो यहाँ पे उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। और ये कैसे मिलता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप गए और वहाँ पे आपने जाकर के उनसे 7 करोड़ रुपीज़ की हेल्प मांगी, यानी आपने उनसे कहा कि हमारे पास 7 करोड़ रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 7 करोड़ रुपीज़ उन्होंने मांगे। अब आप यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 7 करोड़ रुपीज़ के बदले में आप अपनी कंपनी का कितना प्रतिशत शेयर इन्हें देने के लिए तैयार हो। लेट्स से कि ये 14% है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 7 करोड़ रुपए लोगे और कंपनी के जो 14% शेयर्स है वो आप इन्हें दे दोगे।
आपने देखा था कि 50% शेयर अभी तक कंपनी के खुद के पास ही थे, 50% शेयर तो प्रमोटर्स ने ले लिए थे, एंजल इन्वेस्टर्स ने ले लिए थे, लेकिन बाकी के जो 50% शेयर थे वो कंपनी ने अपने पास अभी तक रिटेन किए हुए थे। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 14% जो शेयर है वो इन इन्वेस्टर्स को दे देगी और उसके बदले में उन्हें 7 करोड़ मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सीधा सा मैथमेटिक्स है कि 14% के बदले अगर 7 करोड़ रुपये मिल रहे हैं तो 20% के बदले कितना मिलेगा, 20% के मिले मिलना चाहिए 10 करोड़। और इसी तरीके से अगर 100% की बात करें तो उसके लिए मिलना चाहिए हमें कितना, आप सोच के बताइए, 50 करोड़। यानी कि अगर हम बात करें इनिशियली, अगर हम बात करें तो 100% शेयर्स की कैपिटल जो थी, 100% जो हमारे पास होल्डिंग थी उसकी वैल्यू जो थी वो 5 करोड़ थी, आज वो बढ़कर के 100% की वैल्यू हो गई है 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने वैल्यू में ग्रोथ की। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की वैल्यू जो है वो ग्रो हुई, ग्रोथ कंपनी ने की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमिलरली प्रमोटर की वैल्यू में भी ग्रोथ हुई है। जहाँ पहले उन्होंने 2 करोड़ रुपये लगाए थे तो इस तरीके से उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो उनका जो क्या कहते हैं वैल्यू था, उनका जो नेटवर्थ था वो था 2 करोड़ रुपये। इसी तरीके से अब उनके पास अगर 40% है तो 40% ऑफ 50 करोड़ ये निकल सकता है 20 करोड़। तो इस तरीके से हम इसको नेक्स्ट टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो गई और यहाँ पे 20 करोड़ रुपीज़ हो गई। उसी तरीके से जो एंजल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया था, उनकी वैल्यू भी यहाँ पे 5% शेयर्स के हिसाब से 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ आ गई। और अगर आप इन्हें देखेंगे वेल्थ क्रिएशन तो ये 10 टाइम्स है, यानी कि जितना आपने लगाया था उसका 10 टाइम्स आपका वेल्थ क्रिएट हो चुका है, वेल्थ जो है वो बन चुका है। क्या ये एक रियल वेल्थ है, यानी कि आपके पास कोई एसेट है इस वेल्थ के लिए? नहीं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, आपके पास एक शेयर है और उन शेयर्स की जो आपने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू निकली है 1 करोड़ रुपये। ये वैल्यू आप नहीं निकालते हो, वे वैल्यू निकाली जाती है भाई जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं या मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं या CFA हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो वेल्थ, जो इनका काम है ये निकालना, वो यहाँ पे इन वेल्थ को निकालने का, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। चलिए, अब आपके पास वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आपके पास 7 करोड़ रुपये आ गए। अब आपने इनको 14% शेयर इशू किए, यानी कि 14% का मतलब हो गया आपने इनको 7 लाख शेयर इशू किए, यानी कि अगर देखा जाए तो इनको एक शेयर जो है वो 100 रुपये का पड़ा। जहाँ पहले एक शेयर 10 रुपये का था, वहीं अब ये एक शेयर जो है वो 100 रुपये का हो गया। इस तरीके से शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम समझते हैं थर्ड नंबर पे द बैंकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और समझते हैं कि मान लीजिए अब आपको पैसा जो है और चाहिए, आपको अब एक ही अभी आप एक ही सिटी में काम कर रहे थे, अब आपको और भी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर काम करना है, यानी कि 2 या 3 सिटीज़ में आपको और बढ़ना है। तो लेट्स से कि हमें तीन सिटीज़ में अपने जो बिज़नेस है उसको ग्रो करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें 40 करोड़ रुपीज़ का और रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप कुछ नया करने वाले हैं, जब भी आप बिज़नेस को ग्रो करने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या हम उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कैपेक्स। तो यहाँ पे एक और टर्म क्लियर हो सकती है आपकी कि कैपेक्स किसे बोला जाता है। अब ये पैसा आप कहाँ से लेकर के आओगे? ये पैसा लेने के लिए आपके पास अभी या कंपनी के पास, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो कंपनी ने अभी तक जो प्रॉफिट कमाए हैं वहाँ से वो पैसा उठा सकती है, कि उनको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, उनको ना प्रमोटर को दे, ना एंजल इन्वेस्टर को दे, ना वेंचर कैपिटलिस्ट को दे, और उन्हें अपनी फ्यूचर ग्रोथ में लगा सकती है। इसके अलावा कंपनी वापस से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकती है और बोल सकती है कि लाइए हमें थोड़ा और पैसा दीजिए, हमें आगे और बढ़ना है। उसके अलावा कंपनी बैंकों के पास भी जा सकती है और कह सकती है कि हमें लोन दीजिए। अब तो बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रॉफिट है, आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि आपका बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है। इसका एक फ़ायदा है कि बैंक जो है वो आपको लोन देगा तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा, लगभग 8-10%। तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसके अपने कुछ प्रोज और कॉन्स है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको बैंक से लोन लेने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ पे हम इनको ऐसे नहीं समझेंगे कि अपने एक ही तरीके से 40 करोड़ उठाएं, हम ये मानते हैं कि आपने 15 करोड़ जो है वो आपके बिजनेस से उठाए, 5% इक्विटी सोल्ड किया, जिसके बदले में आपको 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। यहाँ पे आप अभी हम यहाँ वापस से रिवर्स कैलकुलेशन करके समझेंगे कि आपका वैल्यू कितना निकला और 15 करोड़ जो आपने वो लोन के थ्रू उठाए। अब अगर हम यहाँ समझे कि किस तरीके से ये निकला, तो अगर हम यहाँ पे वापस से रिवर्स कैलकुलेशन करें कि 10 करोड़ रुपये आपको मिले 5% के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 200 करोड़। तो पहले आपकी वैल्यू थी 5 करोड़, फिर उसकी वैल्यू हो गई आपकी जो है 50 करोड़, और अब वैल्यू हो गई आपकी 100 करोड़। और वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो इस तरीके से निकलेगा, तो जो प्रमोटर थे, जो आप थे, उनकी वैल्यू जो है वो 80 करोड़ हो गई है,
उसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर्स थे उनकी 10-10 करोड़ हो गई है। जो वेंचर कैपिटल है जिन्होंने जस्ट अभी लगाया था, उन्होंने कितना लगाया था अभी, उन्होंने लगाया था 7 करोड़ रुपीज़। उनकी वैल्यू भी बढ़ करके इंक्रीज होकर के 28 करोड़ हो गई है। और अभी जो 10 करोड़ है उन्होंने 10 करोड़ लगाया, उनकी वैल्यू 10 करोड़ की 10 करोड़ ही है। ठीक है नो, अब अगर हम बात करें कि जो कंपनी के पास कितने प्रतिशत शेयर है, तो यहाँ पे कंपनी के पास अब 31% शेयर और बचे हुए हैं। ठीक है, और उन 31% शेयर की वैल्यू जो है वो अब 62 करोड़ रुपये और रही है। यानी कि अगर अभी कंपनी चाहे तो 62 करोड़ रुपीज़ और ले सकती है अपने 31% शेयर्स को बेच करके दे करके। यहाँ तक ऑल क्लियर है। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट का सीरीज जो है, इनको सीरीज के नाम से जाना जाता है। यानी पहले वालों को सीरीज ए नाम दे दिया, दूसरे वालों को सीरीज बी दे दिया। तो ये सीरीज जो है वो अगर हम बात करें कि कई सारे स्टार्टअप में ये जेड तक या फिर डबल ए डबल बी तक भी चले जाते हैं। कई मल्टीपल राउंड्स में वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू फंड उठाया जाता है, ये अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू उठाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज ये चलती रहती है। अब यहाँ पे आता है नया कॉन्सेप्ट, वो है प्राइवेट इक्विटी। नाउ प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी थोड़े से बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आपको पैसा ही नहीं देते हैं बल्कि आपको थोड़ा सा जो सलाह है, जो आपकी जो मतलब क्या होते हैं, बिज़नेस को कैसे आपको रन करना है, क्योंकि अब आपका बिज़नेस बड़ा हो चुका है तो आपको कैसे इस बिज़नेस को रन करना चाहिए, इस तरीके की आपको प्रोफेशनल सपोर्ट भी देते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े छोटे छोटे होते हैं। यानी कि अगर आपको 10 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हो, 20 करोड़ चाहिए तो आप इनके पास जा सकते हो। लेकिन अगर आपको हज़ारों करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, तो तब आप जाते हो प्राइवेट इक्विटी के पास और वहाँ जा करके आप उनसे पैसा लेते हो। नो प्राइवेट इक्विटी, मैं इसको अब थोड़ा सा फास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो अब यहाँ पे अब मान लीजिए कि आपका जो बिज़नेस है वो चल रहा है और आपकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। अभी हमने देखा था 200 करोड़ हो चुकी है, 8 साल आपके बिज़नेस को हो गए। अब आप चाहते हो कि अब हम बिज़नेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें और इसके लिए आपको चाहिए 60 करोड़ रुपीज़, तब आप जाते हो प्राइवेट इक्विटी के पास और सिमिलरली आप उन्हें ऑफर करते हो 15% स्टेक, उसके बदले में आपको 60 करोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपकी कंपनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उससे आपकी कंपनी की वैल्यू 400 करोड़ हो जाएगी। तो जो प्रमोटर थे, जो आप थे, जिन्होंने शुरू में 2 करोड़ लगाए थे, उनकी आज वैल्यूएशन हो चुकी है 160 करोड़। आप चाहो तो यहाँ से भी 10% शेयर दे सकते हो इनको और बाकी 5% शेयर जो है कंपनी दे देगी ऐसा, लेकिन प्रमोटर नहीं करेंगे क्योंकि प्रमोटर अगर अपना शेयर बेचते हैं तो उससे एक अनुमान ये जाता है कि शायद अब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है। तो इसलिए प्रमोटर इतनी जल्दी अपना शेयर नहीं बेचते हैं, वो काफ़ी एंड तक इसको होल्ड करते हैं, उसके बाद ये शेयर बेचते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ये नहीं मानते हैं कि प्रमोटर अपना शेयर बेच रहे हैं। कंपनी ने अपना शेयर निकाला और 15% शेयर यहाँ पे 60 करोड़ में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे कंपनी के पास जो है वो 16% शेयर जो है और बच गए हैं, 84% जो शेयर है वो जारी किए जा सकते हैं, 64% अब बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है अब जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, यानी कि अब यहाँ पे हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, अब लोग हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब लोग हमारे पास आएंगे यानी कि जितने जिन भी लोगों को हमारे से शेयर खरीदना है, जो भी आम पब्लिक हमारे से शेयर खरीदना चाहती है, वो हमारे पास आएंगे और हमसे शेयर खरीद सकता है इस तरीके से। लेकिन जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर है तो यहाँ पे सबसे पहले सेबी के पास जाना पड़ता है और उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम ये मानते हैं कि हमने अप्रूव कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 16% शेयर्स को बाज़ार में लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि आम जनता से कह रहे हैं कि हमारे पास 16% शेयर है और ये जो 16% शेयर है इसका मतलब हो गया कि हमारे पास लगभग 8 लाख शेयर्स है, हमारे पास लगभग 8 लाख शेयर्स है और इन 8 लाख शेयर्स के बदले में आप हमारे से जो हमारे से क्या कर सकते हो, आप इन 8 लाख शेयर्स को खरीद सकते हो और हमें पैसा दे सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 8 लाख शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाएंगे, तो 8 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू किए जाएंगे और कंपनी अपना वैल्यूएशन कराती है और वैल्यूएशन कराने के बाद कंपनी को पता चलता है कि ये जो 16% शेयर है इनकी वैल्यू निकल के आ रही है 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ हम इन 16% शेयर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर हम टोटल कंपनी की वैल्यू बात करें तो वो निकल के आ जाती है 1250 करोड़ रुपीज़। तो ये कंपनी की फाइनल वैल्यू निकल चुकी है। अब इसके बाद कंपनी जो वैल्यू ग्रो करेगी तो वो सबके साथ एक साथ ग्रो करेगी। अब यहाँ पे कंपनी के 100% शेयर इशू किए जा चुके हैं, तो इसी तरीके से कंपनी जो है अपने शेयर इशू कर देगी पब्लिक में, 8 लाख शेयर 16%, और कंपनी के एक शेयर की प्राइस जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी। अगर हम बात करें 200 करोड़, तो यहाँ लैक्स में डिवाइड कर लें, 200 और 20,000 डिवाइड बाई 8, और ये जो भी निकल के आएगी इस तरीके से पर शेयर वैल्यू निकल जाएगी और हर एक शेयर के लिए आपको इतना रुपया कंपनी को देना पड़ेगा।
और इस तरीके से कंपनी पब्लिक इशू लाती है और पब्लिक से पैसा उठा लेती है। अब कंपनी अपना जो बिज़नेस कर रही थी वो कंटिन्यू करती रहेगी, उसको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब वो और भी पैसे ले सकती है, जिसे हम बोलते हैं फर्दर इशू या राइट इशू जब इसे बोला जाता है, या फर्दर पब्लिक इशू FPO भी इसे बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसे पैसे को जो ले सकती है। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा शायद कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है और एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। आई होप आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।